जय श्री राम प्यारे मित्रों आप मैं ओम प्रकाश राठी वापस आ चुका हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी पर और नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा वेद आरए. रहे। अभी तक मैंने सारे ही टॉपिक आपको इम्पोर्टेंस पढ़ाए हैं ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों टाइम की बचत करते हुए अगले क्वेश्चंस पर अगले टाइप पर और वे को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको सिखाऊंगा फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को अपन सोल्व करने वाले हैं तो आइए मेरे दोस्तों इस पद्धति का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के वस्तुओं के मध्य संबंधों को व्रतों के रूप में व्रत का मतलब क्या हो गया गोला होता है प्यारे मेरे मित्रों तो व्रतों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग बेनारे का प्रयोग जो असमानता वाली वस्तुएं होती है उनको अलग अलग व्रतों के रूप में दर्शाया जाता है इसमें अपने पास पहला टाइप आता है टाइप नंबर फर्स्ट दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य असमानता का नियम अब दो वस्तुएं भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है असमानता का मतलब वो जो दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति होंगे उन सबके काम अलग अलग होंगे मेरे मित्रों तो चलते हैं क्वेश्चंस पर क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे सामने आएंगे वेन आर क्या चीजें अपने को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा तो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने वाप आपको कि डॉक्टर वकील और शिक्षक का वेन आरेख बनाइए क्या बोला मेरे दोस्तों डॉक्टर का वकील का और शिक्षक का अपन को वे नरे बनाना है तो वे नरेख यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों वहां पर जब एग्जाम होगा तो आरेख आपको ऑप्शन कि ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा लेकिन मैंने यहाँ पर सभी की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने वे नारेख बनाए हैं यहाँ पर जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ऑप्शन में आप सभी को वे नरेक मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों सबसे पहले अपन को समझना है उसी के बाद में ऑप्शन को टच करना है मेरे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए पहला है डॉक्टर वकील और शिक्षक इन तीनों का जो काम होता है इनका जो पैसा है वो क्या है अलग अलग है डॉक्टर का काम अलग होता है वकील का काम अलग होता है शिक्षक का काम जो मैं कर रहा हूँ वो तो आप सब जानते ही हो तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर का आरेख भी क्या होगा अलग होगा वकील का आरेख भी क्या होगा अलग होगा और शिक्षक का आरेख भी क्या होगा अलग होगा इसलिए इन तीनों के वेन आरेख कैसे बनेंगे अलग अलग बनेंगे मेरे मित्रों अगला जो क्वेश्चन है फर्नीचर पुस्तक और फल का वेन आरेख बनाइए यहाँ पर देखिए फर्नीचर का काम अलग होता है पुस्तक का काम अलग होता है और फलों का काम अलग होता है तीनों में कोई भी समानता नहीं है इसलिए तीनों के, के बनाए कैसे यदि तीनों में समानता होती या फिर दो में समानता होती इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराने वाला हूँ लेकिन पहला जो टाइप अपना है वो क्लियर हो चुका है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं अलग अलग होंगी तो वे नारेक अपन को इस प्रकार से बनाने हैं तो बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की चलिए फ्रेंड चलते हैं टाइप नंबर सेकंड जब दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी अन्य वस्तु या तीसरी वस्तु से संबंधित होगी दो वस्तुएं होगी वो किससे संबंधित होगी तीसरी वस्तु से तो किस प्रकार से बंद को आंसर निकालना है यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है भोजन मक्कन और रोटी का वेन आरेख बनाइए अब वेन आरेख देखिए दोस्तों ऑप्शन भी दिए मैंने आप सभी को सामने तो अपन को भोजन का मक्कन का और रोटी का वेन आरेख बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को ये देखना है कि तीनों में समानता है या फिर नहीं है तो मैंने देखा कि यार मक्कन भी किसके अंदर आता है भोजन के अंदर आता है और रोटी भी किसके अंदर आती है भोजन के अंदर आती है लेकिन अब ये दोनों चीजें तो किसके अंदर आ जाएगी भोजन के अंदर लेकिन इन दोनों को भी फिर अपन को देखना है कि दोनों में समानता है या नहीं है तो फिर मेरे प्यारे मित्रों मक्खन अलग होता है रोटी अलग होती है तो दोनों के जो वेन आरेख होंगे वो भी कैसे होंगे अलग अलग होंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है नहीं हो सकता इसमें क्या है तीनों में आंशिक समानता है लेकिन यहां पर ये दोनों चीजें किसके अंदर आ रही है भोजन के अंदर तो जो वेन आरेख होगा इन दोनों का वो किसके अंदर बनाया जाएगा भोजन के अंदर बनाया जाएगा तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी में देखो तो जो बड़ा वाला आरेख होगा वो किसका हो जाएगा मेरे दोस्तों भोजन का हो जाएगा किसका हो जाएगा भोजन का हो जाएगा और भोजन के अंदर मक्कन और रोटी आती है तो जो छोटा वाला होगा वो किसका होगा मक्कन का और दूसरा किसका हो जाएगा रोटी का हो जाएगा तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। शिक्षक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का वे नारे बनाइए चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं तो सबसे पहले अपन को यह देखना है कि तीनों में समानता है या फिर समानता नहीं है तो मैंने सोचा कि शिक्षक अब ये जो दोनों श्रेणियां है वो किसके अंदर आएगी शिक्षक के अंदर आएगी क्योंकि आप सभी को पता होगा कि शिक्षक में दो प्रकार की लेवल चलती है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी लेकिन दोनों अलग अलग हैं प्रथम श्रेणी को बी वाला ही दे सकता है और द्वितीय श्रेणी को बी वाला ही दे सकता है तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों जो दोनों श्रेणिया है किसके अंदर आएगी शिक्षक के अंदर आएगी और ये प्रथम श्रेणी भी अलग है और सेकेंड श्रेणी भी अलग है इस प्रकार शिक्षक के अंदर दोनों आएगी लेकिन दोनों के आरे दूर दूर रहेंगे ये टाइप नंबर सेकंड अपना क्लियर हो चुका है टाइप नंबर थर्ड पर चलते हैं चलिए मित्रों चलते हैं टाइप नंबर थर्ड पर जब तीनों वस्तुएं एक के अंदर एक उपस्थित हो तो किस प्रकार से आरेख बनेंगे सारे आरेख में आपको कंप्लीट कराऊंगा एक भी आरेख में कंफ्यूजन अपन को नहीं रहने वाली मेरे मित्रों तो चलते हैं शब्द वाक्य और पेरेग्राफ का वेन आरेख बनाइए किस किस का बनाना है शब्द का बनाना है वाक्य का बनाना है और पेरेग्राफ का बनाना है तो अपन को सबसे पहले देखना है कि शब्द क्या होते हैं वाक्य क्या होता है और पेरेग्राफ क्या होता है तो मेरे मित्रों यहाँ पर देखिए छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है क्या बनाया जाता है वाक्य बनता है फिर बहुत सारे वाक्य जुड़कर एक पेरेग्राफ कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा शब्द किसके अंदर आते हैं वाक्य के अंदर आते हैं और वाक्य किसके अंदर आ जाएंगे पेरेग्राफ के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आर एक छोटा जो बनेगा शब्दों का फिर उससे बड़ा किसका बनेगा वाक्य का और सबसे बड़ा आर ए किसका बनेगा पेरेग्राफ का बनेगा तो तीनों क्या हो गए एक दूसरे के अंदर समाहित है अगला जो क्वेश्चन है ये आप सभी को बढ़िया तरीके से आ चुका होगा मेरे हिसाब से कि भारत जयपुर और राजस्थान का वे नारे बनाइए तो अपन सभी जानते हैं कि जो जयपुर है वो किसके अंदर आता है राजस्थान के अंदर आता है और राजस्थान किसके अंदर आता है भारत के अंदर आता है तो ये तीनों एक दूसरे में समाहित हैं तो इन तीनों के अरे निम्न प्रकार से बनेंगे सबसे पहला बनेगा जयपुर का दूसरा बनेगा राजस्थान का और तीसरा बनेगा अपने भारत का तो अगले टाइप पर मिलते हैं मेरे दोस्तों टाइप नंबर फोर्थ की तरफ आप सभी को लेकर चलता हूं चलिए दोस्तों चलते हैं टाइप नंबर फोर पर जब दो वस्तुओं के गुण जब दो वस्तुओं के गुण किसी तीसरी वस्तु में आंशिक रूप से मिलते हो आंशिक का मतलब थोड़े थोड़े मतलब कुछ बहुत उस गुण में मिलते हो तो देखिए मेरे मित्रों पुरुष खिलाड़ी महिला का बे नारे बनाइए किस, किस का बनाना है पुरुष का बनाना है खिलाड़ी का बनाना है और महिला का बनाना है तो सबसे पहले अपन को दिमाग लगाना है सबसे पहला आरेक अपन किसका बना है तो यहाँ पर जो समानता होगी सबसे पहला आरेक उसी का बनेगा मेरे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आरेख किसका बनेगा खिलाड़ी का कि अपन खिलाड़ी का आरे क्यों बना रहे हैं ये सवाल भी आता है तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों जो पुरुष हो सकता है ठीक है ना तो वो अब दुनिया में देखो मेरे दोस्तों मैंने खिलाड़ी का आरख थोड़ा बहुत ही यहाँ पर किसमें लिया है पुरुष में लिया है क्यों क्योंकि दुनिया में जितने भी पुरुष है क्या वो सभी खिलाड़ी है क्या नहीं है ना मेरे मित्रों तो यहाँ पर जो आरेख होगा इसका मतलब है थोड़े बहुत का कि दुनिया में जितने भी पुरुष हैं उनमें से थोड़े बहुत तो खिलाड़ी हैं और बाकी क्या है सामान्य व्यक्ति हैं उसी प्रकार महिला का जो आरेख है वो भी किस में आएगा थोड़ा बहुत खिलाड़ी के आरेख में आएगा क्योंकि दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से थोड़ी बहुत महिलाएं भी ऐसी है जो क्या होगी मेरे दोस्तों खिलाड़ी होगी और थोड़ी जो महिलाएं बची है वो क्या होगी सामान्य महिलाएं होंगी यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पिता अध्यापक और अविवाहित का आरेख बनाइए तो सबसे पहले किसका आरेख बनाया मैंने अध्यापक का आरेख बनाया दोस्तों अब यहाँ पर देखिए जो पिता का आरेख है वो किस में आ रहा है थोड़ा बहुत अध्यापक में आ रहा है तो यहाँ पर देखो मेरे मित्रों दुनिया में जितने भी पिता है माँ बाप है क्या वो सभी अध्यापक है क्या नहीं है ना उनमें से जो थोड़े पिता होंगे वो क्या हो सकते हैं अध्यापक हो सकते हैं और बाकी पिता क्या है सामान्य व्यक्ति हैं उसी प्रकार देखो मेरे दोस्तों यह इंटरेस्टिंग चीज आई अपने पास अविवाहित जैसे मैं जिसकी शादी नहीं हुई हो तो यहाँ पर देखिए अध्यापक बनने के लिए क्या शादी करना जरूरी है क्या मेरे दोस्तों नहीं है ना तो यहाँ पर देखे मेरे मित्रों जो थोड़ा सा आ रहे किस में आ रहा है अविवाहित में आ रहा है किसका आ रहे अध्यापक का तो बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो अविवाहित हैं और क्या है अध्यापक भी हैं और बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो अभी तक अविवाहित हैं और अध्यापक नहीं है तो यहाँ मेरी बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी और ये टाइप नंबर फोर्थ अपना खत्म हो चुका है तो कि दो वस्तुओं में यदि समानता है वो तीसरी वस्तु से किस प्रकार उनमें थोड़ी बहुत समानता होगी अगले टाइप पर आप सभी को लेकर चलता हूं टाइप नंबर फाइव पर चलिए दोस्तों चलते हैं टाइप नंबर फाइव पर तो यहां देखिए जब तीनों वस्तुओं के गुण सभी में थोड़े थोड़े बहुत मिलते हो इसके पहले का जो टाइप था उनमें दो वस्तुओं में जो आमने आसपास वाली वस्तुएं थी उनमें गुण नहीं मिले थे उसमें कैसा आरेख बना था ऐसा आरेख बना था जिसमें ये वाला आरेख और ये वाला आरेख कैसे थे दूर दूर थे लेकिन अब आरेख चेंज हो चुका है कंफ्यूज नहीं होना है मेरे मित्रों जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन को जोर देकर समझना है क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बोलेगा कि मेरा आंसर क्या आएगा तो यहाँ पर देखिए जब तीनों वस्तुओं के गुण क्या हो थोड़े थोड़े मिलते हो तो यहाँ पर चलिएगा प्यारे दोस्तों कि डॉक्टर पुरुष और कलाकार का वेन आरेख बनाइए किसका बनाना है डॉक्टर का पुरुष का और कलाकार का तो यहाँ पर मैंने वे नरेख बनाया है तो यहाँ पर देखिए जो जी ये वाला आरेख है ये किसका रहेगा मेरे दोस्तों डॉक्टर का आरेख है ये वाला किसका है पुरुष का है और ये वाला किसका है कलाकार का है तो यहाँ पर जो बीच में वे नारिक बने हुए तीनों के मिले हुए इसका मतलब क्या है कि तीनों में थोड़ी थोड़ी बहुत समानता है अब समझना मेरे प्यारे दोस्तों समझाता हूं मैं आप सभी को कि कैसे बना क्या एक डॉक्टर पुरुष नहीं हो सकता हो सकता है मेरे दोस्तों क्या एक डॉक्टर कलाकार नहीं हो सकता हो सकता है अब ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्टर होगा वो कलाकार नहीं हो सकता उसमें कोई कला भी हो सकती है तो जिस दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं उनमें से जो ये थोड़े बहुत कलाकार में आ रहे हैं ये कलाकार भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत किस में आ रहे हैं पुरुष में आ रहे हैं तो ये थोड़े बहुत पुरुष भी हो सकते हैं क्योंकि क्योंकि डॉक्टर में लेडीज और जेंट्स दोनों आते हैं तो जितने भी डॉक्टर हैं वो कलाकार भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं उसी प्रकार दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वो थोड़े बहुत कलाकार भी होंगे और थोड़े बहुत क्या होंगे डॉक्टर भी होंगे मेरे दोस्तों और दुनिया में जितने भी कलाकार हैं वो पुरुष भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अध्यापक दार्शनिक और लेखक का वे नारे बनाइए तो यहाँ पर देखिए तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलिट्री है समानता है प्यारे मित्रों तो यहाँ पर देखे ना क्या अध्यापक एक दार्शनिक नहीं हो सकता हो सकता है क्या अध्यापक एक लेखक नहीं हो सकता हो सकता है अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो लेखक जो अध्यापक होगा वो लिख नहीं सकता लेखक नहीं बन सकता ये अपने संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि जो अध्यापक होगा वो लेखक नहीं बन सकता बन सकता है मेरे दोस्तों तो दुनिया में जितने भी अध्यापक है उनमें से थोड़े बहुत यहाँ पर देखिए किस में आ रहे हैं मेरे मित्रों लेखक में आ रहे हैं तो दुनिया में जितने भी अध्यापक है उनमें से थोड़े बहुत ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे लेखक होंगे और उनमें से थोड़े बहुत ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे दार्शनिक होंगे तो यहाँ पर तीनों के आरेखों में कुछ ना कुछ समानता मिल रही है इसलिए तीनों के आरेख एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं मेरे दोस्तों ये टाइप मैंने आपको पांच बता दिए हैं इन्हीं में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यदि कोई नया टाइप बनता है तो अपन खुद के दिमाग से भी उसको सोल्व कर सकते हैं समानता है किस प्रकार ढूंढी जाएगी किस प्रकार नहीं ढूंढी जाएगी सारी चीजें मैंने आप सबको बता दी